हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली पनीर की रेसिपी। आप इसे चिली चीज़ कहिए या चिली पनीर कहिए, ये घर पे बनाइए, ये बहुत आसान है बनाना। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई है मैंने, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले पनीर लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो पनीर लिया है, उसे मैं इस तरह से बड़े क्यूब्स में काटूँगी। आप देखिए किस तरह से काट रही हूँ। इसमें थोड़े पीसीज आप इसके बड़े ही रखें, बड़े पीसीज करने से हमें ये फ्राई करने में आसान रहते हैं। देखिए इस तरह से हम इन्हें काट लेंगे। ध्यान रहे कि पनीर बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है, इसके अंदर मैं एक चौथाई चम्मच ब्लैक पेपर डालूँगी और साथ ही थोड़ा सा नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है हमें, हल्का नमक डालना है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप हाथ से या स्पून से मिक्स कर सकते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और ऐसा थिक बैटर बनाएंगे। अब इसके अंदर हम चाहें तो एक एक करके पनीर को डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, या सारे पनीर को इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके आप इसे कोट कर दीजिए। हर एक पनीर पर इस बैटर की कोटिंग होनी चाहिए। अब जो तेल है हमारा, ये काफ़ी गर्म होना चाहिए, हल्का तेल नहीं, काफ़ी गर्म तेल में हम इसे डालेंगे और हम अपनी गैस की फ्लेम भी हाई रखेंगे। और ये जो कोटेड पनीर है हमारा मैदे से, उसे हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। आप इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए अभी ये नहीं हुआ है फ्राई, ये क्रिस्प ज़रूर लग रहा है, पर आप अगर इस समय से बाहर निकाल देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए इस तरह का इसको हमें क्रिस्प करना है और इस तरह देखिए गोल्डन कलर आना चाहिए इस पे। करते हुए ये आपस में जुड़ जाते हैं, आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब एक इस तरह की कढ़ाई लेंगे, मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी करीब एक बड़ी चम्मच, और ये कुछ सब्जियाँ हैं जो मैंने ली हैं। यहाँ पर मैं गार्लिक लिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है, पत्ता गोभी है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, गाजर और शिमला मिर्च है, और हरी मिर्चें हैं, और साथ ही हम प्याज भी काट लेंगे। प्याज को भी हम हल्का पतला कर लेंगे। सबसे पहले तेल गर्म होने पे हम अपना गार्लिक डालेंगे, लहसुन, लहसुन का एक अलग ही फ्लेवर आता है इसमें, तो जैसे लहसुन अपना अरोमा दे आप वैसे ही स्लिट ग्रीन चिलीज डाल दीजिए। तो हरी मिर्चों को लंबाई में काट के आप डाल लीजिए। गैस की फ्लेम इस समय आप धीमी रखें और साथ ही हम प्याज डाल देंगे। यहाँ मैंने दो से तीन प्याज डाले हैं और साथ ही हम एक छोटा चम्मच ग्रेटेड जिंजर यानी कि कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। प्याज यहाँ पे मैंने दो से तीन मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। साथ ही हम डालेंगे अपनी कैरेट्स, ये भी मैंने दो से तीन कैरेट्स ली हैं। और इस समय मेरी गैस की फ्लेम हाई है, इसे आपको हाई फ्लेम पे कुक करना है। साथ ही हम शिमला मिर्च डाल देंगे। पहले आप गाजर डालें क्योंकि गाजर थोड़ा सख्त होती है, और उसके बाद आप अपनी शिमला मिर्च डालिए। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। गैस की फ्लेम हाई ही रखिए और इसको अच्छे से चलाते रहिए ताकि ये जले ना, क्योंकि इसका फ्लेवर ही हाई फ्लेम पर आता है। साथ ही यहाँ मैं डाल दूंगी 1 बिग स्पून ग्रीन चिली सॉस, और साथ ही हम डाल देंगे रेड चिली सॉस 1/2 स्पून। आप सॉसेस अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही 2 बड़े चम्मच सोया सॉस के, डार्क सोया सॉस के। आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, माइल्ड पसंद है तो आप कम कर दीजिए। मेरा ये जो है ये मीडियम है, और इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से ऐसे करेंगे। और फिर हम टोमेटो केचप डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। आप थोड़ा सा डाल के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप प्रोपोर्शन देख सकते हैं कि सभी मसाले सही बैठे हैं कि नहीं। अगर आपसे सोया सॉस ज़्यादा डल जाए तो आप नमक कम डालिए। अब इसके अंदर हमने अपनी पत्ता गोभी जो बारीक काटी थी उसे डाल दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, देखिए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक और काली मिर्च। अगर सोया सॉस आपकी ज़्यादा डली है तो आप टेस्ट करके देख लीजिए, तो नमक कम ही डालिए। और साथ में हमने काली मिर्च डाल दी है।
हाई फ्लेम है अभी मेरी गैस, हाई फ्लेम पे आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये सब कुछ झटपट करना होता है तभी इसका टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम फ्राइड पनीर क्यूब्स डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे जो हमारे सब्जियां हैं, सॉसेस हैं, ये पनीर के साथ अच्छे से कोट हो जाए। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर वाटर डालेंगे। उसके लिए आप आधी कटोरी पानी लीजिए और उसके अंदर एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिए। उसे अच्छे से मिक्स करके आप इसमें डाल दीजिए और अच्छे से इसे हिला लीजिए। और ये एक चम्मच शहद डाला है मैंने, ये ऑप्शनल है। इसे थोड़ा इसका तीखापन बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सिर्फ एक चम्मच शहद ही डालिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और ये रेडी है प्लेटिंग करने के लिए, सर्व करने के लिए। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शेयर टू। थैंक यू।